हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द भारत टॉक्स पे। बात करें पाकिस्तान में सिंध में, यहाँ पे दो हिंदू बेटियों को यहाँ पे उठाकर ले गए। लेकिन अब बात आते हैं, काफी जने बोलेंगे कि भाई पाकिस्तान से हमको क्या मतलब है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हिंदू लड़कियों का अपहरण वहां पे हुआ है, उनको उठाकर ले गए। और यहाँ पे जो यहाँ पे हिंदू दलितों का यहाँ पे एक तरह से वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, राजनीति में एक तरह से दीमक का काम कर रहे हैं, और दलितों के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर इस तरह से यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उनकी यहाँ पे असलियत मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पे हिंदू बेटियों के माँ बाप है वो यहाँ पे वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में सुनने वाला कोई भी नहीं है। और भारत में जो दलितों के लिए रोना रोते हैं वो भी इस पे चुप्पी साध रखे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको कोई भी इससे वोट बैंक नहीं मिलेगा, कोई भी यहाँ पे फायदा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलने वाला। जो कुछ करना है सब आप ही को करना है, आप ही को वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना है, ताकि अगर इनकी कोई मदद हो पाए तो जरूर हो। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मुश्ताक बंबर छोकरी कह रही के न्यू अच्छा वाके गोली वाके गोली जो अच्छा छा नालो उन जो एकड़ी नालो मीना भी जो नालो रेखा रेखा उम्र घणी वन उन जी 12 साल मीना जी रेखा जी 12 साल उनजी 19 साल मीना जी अच्छा हां छा चवन ताई मुश्ताक बंबर आ रहा ता का मुश्ताक बंबर यो चवन तात बाबा हां नवा के मा जो बाहु कौन मिल दियो अच्छा कौन मिल दियो नेका नामो थी वियो आए अवां जो बाहु मा के कौन मिल दियो आसा जो छोकरो मरे तो अवां के अवां जो असी वावार करी ता दियो बिरादर गड करो अवां के असी वावार दियो ता जेको दो दंड बदो वो भरी ता दियो आ निगरी अवां के कौन दींदा दो दंड कौन असी वठंदा असी दो दंड कौन वठंदा दो असा जो असा के न्याणी खपन अच्छा पुलिस वाला छा तो चन ता वयो चढ़े ही कोन दी पुलिस उनन ते चढ़े ही कोन अली हसन साहब की असा दा दिनी है अली हसन साहब के असा दा दिनी है अली हसन साहब असा जी दा कोन तो बुदे अदी एना के असा दा दिनी है अदी एना असा जी दा कोन ती बुदे असे गरीब रड़ी करी रया आयो असा जी रड़ केर पु कोन तो बुदे 400 वोट असा जा यह है पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू दलित भाई है। इन पर अत्याचार की कोई भी सीमा नहीं है और ना ही पाकिस्तान में इनकी कोई सुनने वाला, क्योंकि यहाँ पे भारत में दलितों की जो राजनीति करने वाले चैंपियन राजनेता है इनके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आखिर तथाकथित जो भारतीय दलित नेताओं के वोट बैंक ये नहीं है, ये है असलियत। किस तरह से यहाँ पे गुहार लगा रहे हैं कि इनकी बेटियां जो इनका अपहरण हुआ है किसी तरह से यहाँ पे सही सलामत यहाँ पे वापस मिल जाए। पाकिस्तान में तो इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन इनको उम्मीद है कि अगर यहाँ पे वीडियो बनाकर शेयर करेंगे और आप लोग ज्यादा शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई अगर यहाँ पे एजेंसी हो, कोई ऐसी एनजीओ जो यहाँ पे उनकी मदद कर सके। वैसे तो ऐसे एक नहीं दो नहीं हजारों केसेस ऐसे होते हैं जो सामने आ ही नहीं पाते, ना वीडियो बना पाते, आवाज को दबा दिया जाता है। क्या हालत है हिंदुओं की पाकिस्तान में आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फिर भी वीडियो बनाया, किसी ने शेयर किया, तो हमारा दायित्व है कि हम वीडियो को ज्यादा शेयर करें, आवाज उठाएं, ताकि इनकी बात है वो आगे पहुंचे। आपका क्या कहना है खैर इसके बारे में और यहाँ पे राजनीति करने वालों के बारे में, जो यहाँ पे दलितों को कभी यहाँ पे इनको हिंदुओं को एक तरह से जात पात में बांट करके ये दलित है ये है वो है इस तरह से उनको यूज कर रहे हैं वोट बैंक के लिए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे नीचे आप कमेंट कर दें। वीडियो को ज्यादा शेयर करना है भाई, बोलना नहीं है, ज्यादा शेयर करना है, हर ग्रुप तक पहुंचे, हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, ताकि हम मिलकर आवाज उठा सके। और जाने से पहले काम जरूर कर दे, चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दे, पास में जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा दे, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।